साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज कुछ नए कमेंट आए हैं, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो जल्दी से शॉर्टली तरीके से मैं बता दूं, दलबर दालवीर सिंह बोलते हैं, सॉरी सर, कंट्री नाम कुवैत का वीजा स्टैम्पिंग चार्ज। भाई कुवैत का स्टैम्पिंग चार्ज वीजा सबसे महंगा पड़ता है, 20-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड। अगर इमिग्रेशन कराते हो तो 20-25 हज़ार, वीजा स्टैम्पिंग के 10 से 12 हज़ार में हो जाता है आपका। पहले 6 हज़ार लगते थे, अब ज्यादा हो गए हैं। इमरान अहमद बोलते हैं, सर कुवैत में फंसा हूँ, 15 दिन हो गए हैं, घर आना चाहता हूँ, मेरा वीजा कुवैती के पास है। भाई 15 दिन में आप फंस भी गए, घर भी आना चाहते हैं, तो कई बार कमेंट यार झूठे भी होते हैं। तो 15 दिन में बंदा फंसता नहीं है, क्या फंस गए भाई, वीजा लगा हुआ एम्बेसी जाके 15 दिन में कैसे हो गया, अगले ने वीजा दिया है तो प्रोसेस तो करना पड़ेगा आपको। अब आप किस कंडीशन में फंसे हो वो तो फोन पे बात हो तो पता लगे भाई, ऐसे तो मैं क्या आंसर दूं आपको, फंसने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, समझ गए। ब्रजेंद्र सिंह बोलते हैं, सर हेलो सर, मैं डॉक्टर परियार, मैंने MBBS किया, स्वास्थ्य संबंधी जॉब मिलेगी, जॉब में क्या होगी, यानी दुबई में। डॉक्टर साहब मैं बता दूं, दुबई में वैकेंसीज के भंडार हैं, लेकिन योग्यता होनी चाहिए, इंडियन एक्सपीरियंस नॉट वैलिड इन दुबई, समझ गए बात को। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बल्ले बल्ले है, बाकी इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी जॉब बहुत है, जॉब मिल जाएगी आपको, DHA कर लीजिए, यहाँ के मिल जाएगी जॉब। प्रभाकर गौर बोलते हैं, सर गुरमीत सिंह आपका बहुत खास है, क्या उनका नंबर ही क्यों देते हैं। भाई आप खास बन जाओ, ईमानदारी से आप काम करिए, आपका वीडियो डालेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। जिस दिन पता लगे कि बेईमानी कर ली, वीडियो बनाना छोड़ देंगे, समझ गए बात को। बाकी सब ईमान, सभी खास हैं और सभी अनजान हैं। ऐसा रहनियाना बोलते हैं, एडवोकेट जी मार्केटिंग जॉब का डिटेल डालें। भाई दुबई में मार्केटिंग जॉब बहुत है, जितना मर्जी ले लो, बंदे में एक्सपीरियंस होना चाहिए लोकल का, तब फायदा है, बाकी सैलरी कमी मिलती है। इसके धीरे धीरे मैं वीडियो और बनाऊंगा, समझ गए। जॉब किंग बोलते हैं, सर मेरा कुवैत का वीजा आया हुआ है, हाउस मेड के लिए जा रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं हो सकती, नहीं ना, और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। टोटल एजेंट पे मत दो ना, अपने आप बताएगा क्या लेके जाना, कोई परेशानी, वो तो उनका काम है भाई, कौन सा वीजा दिया है क्या दिया, वो तो वो बता पाएगा। बाकी परमिट में जा रहे हो, हाउसमेट में क्या दिक्कत होगी, घर का काम करना करो, 2 साल परमिट है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी, मेरे हिसाब से नहीं होगी। बाकी कई बार मालिक ही बेकार मिल जाता है तो वो टॉर्चर करता है तो परेशानी हो जाती है, बाकी अच्छे भी बहुत होते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है, अच्छा पैसा बंदा कमा लेता है। वशीन खान का क्वेश्चन है, सर ये बताइए, मेरा कतर का वीजा ऑफिस वाले ने मेरी मर्जी के खिलाफ निकाल दिया, ठीक है, और वो भी वीजा पे नहीं जाना चाहता हूं, कैंसिल कैसे होगा। भाई ऑफिस वाले ने आपकी मर्जी के खिलाफ ही वीजा निकाल दिया, आपने पासपोर्ट दिया, टिकट दिया, वो फोटो दिया, कुछ किया होगा, आप उसके पास पहुंचे होगे तभी तो वीजा दिया होगा। या हो सकता है कई बार आप दूसरी ट्रेड में जा रहे हैं, वीजा आने के बाद आपने बोल दिया मैं तो नहीं जाऊंगा इस ट्रेड में, मुझे दूसरी में जाना है, या वीजा अंडर प्रोसेस था तब मना कर दिया होगा, तो वो वीजा तो निकलेगा, फिर कैंसिल करवा लो, कैंसिलेशन चार्ज 10-15-20 हज़ार होते हैं, वो उनको दो तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा मंगवा लो, लेकिन उस कंट्री में नहीं जा सकते आप, ये ध्यान रखना। आयुष पटेल बोलते हैं, यू आर राइट सर, ये सब एजेंट पैसा खाते हैं। बिल्कुल भाई, यू आर राइट सर, ये सब एजेंट पैसा खाते हैं। एजेंट का मतलब भी कमीशन होता है मेरे भाई, ये बात बोलने की कहां जरूरत पड़ गई, हर चीज का एजेंट होता है और उसमें एजेंट पैसा खाता है, नहीं खाएगा तो काम क्यों करवाएगा आपका, थोड़ा बहुत समझ लो यार, कमेंट करने की कहां जरूरत पड़ गई। अब्दुल हसन जी ने कमेंट का आंसर दिया, भाई जिनको नीड होती है वो 1 लाख से भी ज्यादा का वीजा चार्ज देते हैं, 20-25 हज़ार सैलरी, और भाइयों कौन जोर जबरदस्ती कर रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई, कौन जोर जबरदस्ती कर रहा है आपको, क्यों यूट्यूब पर एजेंट के जरिए पैसा दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है, फ्री में ऑनलाइन बहुत सी साइड है, क्यों 1 लाख रुपए दे रहे हो, 20-25 हज़ार की जॉब जा रहे हो यार, फ्री में जॉब मिल जाएंगे, लाख लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी, वहां अप्लाई कर लो, जरूरी एजेंट के चक्करों में आना, समझदार बंदे हो यार, क्यों एजेंट के चक्कर में आ रहे हो, खुद कहीं ना कहीं जाओगे, भिड़ोगे, टक्कर खाओगे, उठोगे पड़ोगे, घर बर्बाद होगा, तब पता लग जाएगा आपको कि वो रियल की सच्चाई क्या है, समझ गए बात को। विजय नरेश बोलते हैं, 20 हज़ार की 20-25 हज़ार की नौकरी बताते हैं, फीस मांग लेते हैं 1 लाख, तो बंदा कहां से जाएगा जबकि खर्चा खुद उठाती है। भाई देखिए, पहली बात तो मैं तो 1 रुपया नहीं मांगता, मेरी फीस तो 500 रुपये हर वीडियो में बोलता हूँ, इंक्वायरी चाहिए 500 देके इंक्वायरी लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, डोंट माइंड, निकाल दो, आगे निकल जाओ, आगे बढ़ते रहो, लेकिन 20-25 हज़ार में लाख रुपए कौन मांग लिया भैया, क्या जरूरत है देने की, कंपनियां फ्री में देती हैं आपको पता है, फ्री में अप्लाई करो कंपनियों में, जाओ सीधा भिड़ो ट्रक, कुछ करोगे तो फ्री में जॉब भी मिल जाएगी, क्यों एजेंटों के चक्कर में आ रहे हो भाई, क्यों पैसा दे रहे हो, समझ गए बात को। लेकिन
ऐसा इतना आसान नहीं है, कहना आसान है कमेंट में कि कंपनियां फ्री में वीजा देती हैं, एक दो बार का लगवा के देखो ना, अब तब पता लगेगा। एजेंट को लाख देते हो ना, उसकी कसम बन के बैठ जाते हो, आप उसके सर पे मूंदते हो रात को 12 बजे, समझ गए बात को, और खुद ट्राई करके देख लेना, कभी पता लग जाएगा। एनी आइडियाज? बोल बोलते हैं सर, सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आगे दूसरा क्वेश्चन इनका है, सर फ्री वाला जॉब बताओ जिसमें एक भी रुपया ना लगे। ये भाई तो बड़ा खतरनाक है भाई, 1 लाख की सैलरी से एक पैसा नहीं लगे। कनेडा जाओ, वहां जाओ ना, पंजाब, मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली भी चले जाओ, वहां पर भी जॉब मिल जाते हैं, इससे कोई पैसा नहीं लगेगा। मेडिकल करवा लो 5-10 हजार, रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दो 3-4 हजार, और 10-15 हजार का उनका खर्चा है, लाख रुपए की सैलरी ले लो, मिल जाएगी उनके पास आराम से, ट्राई कीजिए ना आप। सिंह शेखावत बोलते हैं, नंबर देते नहीं, 400 किलोमीटर जाकर बंदा पता करेगा, फिर वीडियो क्यों बनाते हो यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए? सिंह शेखावत साहब, मैं बता दूं आपको कि यूट्यूब से आज तक तो 1 रुपया मैंने कमाया नहीं है। आप वीडियो देखते हो, थोड़ी तो शर्म तो कर लो कि यूट्यूब पे एड आता है तो ही पैसा मिलता है। 2 साल में 1 चवन्नी अभी तक तो मुझे मिली नहीं, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो में सब कुछ बता दिया, फिर क्या है, जाके इंटरव्यू दो ना, जाके इंटरव्यू दे दो, क्या फोन पे बात करोगे? फोन आते हैं 5 हजार, समझ गए, अगला पागल हो जाता है फोन उठाते उठाते। एक बलविंदर कुमार बोलते हैं, सब भाई आप पहली वीडियो में बताए थे कि सर्विस चार्ज नहीं होता शटडाउन में, अभी ऐसा क्यों? आप डायरेक्ट नंबर भी नहीं दे रहे हो एजेंसी का, इसका मतलब यह है कि आदमी आपको व्हाट्सएप पे करें फिर आपको उसका नंबर दोगे, शायद पता चलता है कि आपका कमीशन होगा पर आदमी के ऊपर, प्लीज नेवर माइंड। भाई देखिए मैं बता दूं कि आपने दिमाग, लोग बहुत अच्छा अच्छा लगा लेते हैं, मैंने नंबर दिए थे, मैन पावर वाले के नंबर दिए थे, उसके पास 500 कॉल गए एक दिन में, समझ गए, और बंदा इंटरव्यू में नहीं पहुंचा एक। मैन पावर वाले होते हैं ना एजेंसी वाले, उनके पास भीड़ होती है लोगों की, मैं बता दूं, कान खोल के सुन लो, जो जेन्युइन काम करते हैं ना उन लोगों को जरूरत नहीं है भाई नंबर देने की, उनके पास अपने आप लोग होते हैं। तो उन्होंने बोला भाई माफ करो मेरा नंबर वीडियो में मत देना, और आप देखो 2 महीने से मैंने कोई वीडियो बनाया उनका, जो नंबर वाली वीडियो की बात कर रहे हो, उनका नंबर बनाया मैंने वीडियो नहीं बनाया, मना कर दिया उन्होंने, बोले भाई हमें जरूरत नहीं है आप लोगों की, आप माफ करो। अब क्या जवाब दूं मैं, आप बताओ, नंबर कहां से दे दूं, अगले ने मना कर दिया। फिर मैंने ऑप्शन सोचा कि चलो आप मुझे कॉल करिए, ठीक है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, वो गेम भी फेल हो गया। मैंने दो कम से कम 60-70 लोगों को नंबर दिए, 15-20 ने बोला हम जा रहे हैं, एक भी नहीं पहुंचा। क्या मतलब होता है वीडियो बनाने का, छोड़ चक्कर, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता, मुझे क्या मतलब है, कमीशन अगर मिलेगा ना तो मैं, बहुत ऑप्शन होते हैं लेकिन मैं इंटरेस्ट लेता नहीं इन चीजों में भाई, इन चीजों में फायदा नहीं है। जितेंद्र टोडासरा बोलते हैं, तू गया है कभी सऊदी में? 1400 से ज्यादा नहीं मिलता सैलरी, इसकी औकात 14 तक की है। अब इसके आगे सुनिए, कुंदन यादव, इनको जवाब दिया, इनको तो क्या दिया, सेम नीचे कमेंट आया था, सर्दी सऊदी में बंदा गाड़ी चलाकर 2500 तक कमा लेता है। ले भाई मेरे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, आपकी औकात उतनी है कि आपको 1400 मिल रहा है और वहीं तक सीमित हो भैया, मेहनत करोगे, ओवर टाइम करोगे, बाहर निकलोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा कमाओगे। अब आप 8 घंटे कमा रहे हो तो जितनी तनख्वाह उतनी मिलेगी ना आपको, अब एक बंदा मेहनत करके 2500 यानी आपसे कितना कमा लिया भैया, ज्यादा, डबल, समझ गए बात को। तो आदमी की जितनी औकात होती है उतनी बातें करता है, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा, जितने कमेंट आपके माइंड में करो मैं सबके आंसर दूंगा। अभी ये स्टार्ट कर दिया कमेंट सेशन वाला, आप वीडियो के माध्यम से आंसर दिया करूंगा, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि नित रोज नई आपको अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।